कैसे दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। और इस समय बज रहे हैं 3:10 और अभी हम जा रहे हैं मुंबई। और अचानक जा रहे हैं, प्लान क्या है हम आपको बताएंगे, बट इतना जान लीजिए ये हमारे भाई हैं। हेलो कर दो दानिश भाई। हेलो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। यहाँ से ठंड लगने लगी और अभी देखते हैं। एक्चुअली हमारी जो ट्रेन है वो 4 बजे की है, ये इन्होंने गेट बंद कर दिया और गेट ऐसा बंद करा है कि इसमें निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। ओ, 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 निकालिए बैग। ओह, सुनसान गलियां एकदम, बिल्कुल कोई भी नहीं है। तो हुआ क्या कि मुझे जाना है मुंबई, और तो पता कितने लोग मासूम हैं। तो एक भाई मुझसे पूछ रहे थे, बोले कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा मुंबई जा रहे हो। तो बोले यार एक काम करना, आलम खान से जाओगे मिलने के लिए। मैंने हाँ जाएंगे। तो बोले मेरे पास मुझसे 100 रुपये ले लो और उन्हें जो है नहारी पैक करा देना। मतलब कितने मासूम हैं यार। तो अभी हमें करना है ऑटो, क्योंकि निज़ामुद्दीन से हमारी ट्रेन है। देखते हैं ऑटो मिलता नहीं मिलता है, और वैसे भी हम थोड़े लेट हो गए, बट ऑटो मेरे हिसाब से मिल जाएगा। तो फाइनली हमें ऑटो मिल चुका है और अभी हम जा रहे हैं निज़ामुद्दीन के लिए। तो दोस्तों निज़ामुद्दीन स्टेशन आ चुका है और अभी बज रहे हैं 3:30, यानी सही टाइम पर आ गए। और हुआ क्या, मैं सोच रहा था मेरा क्या रह रहा है, स्टैंड रह गया जिससे हम वीडियो शूट करते हैं, वो स्टैंड जो है घर पर रह गया। खैर कोई देर नहीं, अभी हम पकड़ते हैं ट्रेन और उसी के बाद हम आपसे बात करते हैं। तो हमारा नंबर है S6 और ये इतना आगे है, अभी तो ये चल रहा है V3, V4, बहुत आगे चल रहा है। तो जैसा मैं ये एक्सपेक्ट था कि ठंड, बट फिलहाल अभी इतनी ठंड लगी नहीं है, आगे ठंड लगती है तो वो देखा जाएगा। तो फाइनली आ गया हमारा S6, कौन सा ये भी। चलो चलो, 45-46 आ गए, आ गए, मैंने देख लिया 45-46 आ गए। तो देखो ये हमारे औरंगजेब भाई जो है समोसे खा रहे हैं। चाय चाहिए भाई मुझे। तो अभी हम आ गए हैं मध्य प्रदेश, तो लगभग 12 बज चुके हैं। हालत बहुत ख़राब हो गई है, लेकिन रात हमें ठंड लगी नहीं थी, ट्रेन रुकी हुई है। और अभी हम जो पहुंचेंगे वो रात को पहुंचेंगे 12 बजे, यानी अभी 8 घंटे का सफ़र, 8 घंटे का मान लो, 12 घंटे का सफ़र बाकी है अभी। और चलते हैं अभी, फिर दिखाते हैं आपको। उठ गए। तो फाइनली दोस्तों हम मुंबई आने वाले हैं और 20 मिनट का सफ़र बाकी है। और आज लंच किया नहीं था क्योंकि ट्रेन का लंच अच्छा नहीं लगता है, बड़ा पाव खाया था। और लगभग देखिए ट्रेन भी खाली हो चुकी है। एक हमारे भाई बैठे हुए हैं, ये हमारे औरंगजेब भाई बैठे हुए हैं। और उसके बाद हमें वहाँ से मलाड जाना है, होटल बुक किया है हमने। अब देखो कितने मासूम लोग होते हैं, मैंने बताया था ना आपको कि भाई कह रहे थे अगर मुंबई जाओ ना तो आप अगर जा रहे हो तो आर्यन खान के लिए जो है नारी ले जाना। हेयर बैंड मैंने इसलिए लगा लिया क्योंकि मेरे पास जो है कंगा थानी, और बस बताना कैसा लुक लग रहा है। तो अभी हम चलते हैं स्टेशन पे, आने वाला है 20 मिनट में, उसके बाद हम जो है मुंबई में एंट्री करने वाले हैं।
फाइनली दोस्तों हमने ये रूम बुक कर लिया है और ये है हमारा रूम 3-स्टार होटल का। मतलब लाइफ में पहली बार इसमें स्टे कर रहा हूँ। ओहो क्या खास इसके अंदर, माय गॉड सामने का बहुत शानदार व्यू। चलो बट सुबह दिखाएंगे। वाओ तो फाइनली दोस्तों हम मुंबई आ चुके हैं। मलाड में हम जो है नाइट स्टे करेंगे क्योंकि आते आते 12 बज गए और थक गए हैं। आज वीडियो भी शूट नहीं हो पाई। तो आई होप दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और टच में रहिए क्योंकि इसके बाद बहुत ही शानदार शानदार ब्लॉग होने वाले हैं। मुंबई को मैं बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करने वाला हूँ और एक आम इंसान का, एक कॉमन इंसान का एक सपना होता है कि मुंबई की लाइफ को जिए, वो मैं जी कर दिखाऊँगा। बहुत ही इन्जॉय आने वाला है तो टच में रहिए, बहुत ही शानदार ब्लॉग होने वाला है। कल को शाहरुख भाई का बर्थडे है, मन्नत जाएंगे, जुहू बीच जाएंगे, बहुत सारी जगह पर घूमेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें, साथ साथ इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो लिंक है ना वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें।